हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैडम और आज की वीडियो होने वाली कस्टम रूम मिस्टेक्स के ऊपर। हमें ऐसी क्या क्या जो गलतियां होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको कस्टम रूम्स को लेकर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में मैं हार्डनेस नहीं भरूंगा कि कस्टम रूम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मैं आपको ईजी वे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे आप अवॉइड करके कस्टम रूम्स अच्छा खेल सकते हो, और ये पॉइंट्स बहुत रियलिटी बेस्ड एंड जेन्युइन पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर वन क्या होती है कि हमें हमेशा प्री प्लान रहना हो चाहिए। हमें हमेशा अपनी टीम्स को के साथ हमेशा प्री प्लानिंग करके चलना चाहिए। जो कि हमें कस्टम अगर हम खेलने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पहले से ही मेरा फुल प्लानिंग होना चाहिए कि हम अब क्या करेंगे, हमें स्ट्रेटजीज कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें किस तरीके से अपने आप को मूव ऑन करना है, कहीं पर भी रोटेशंस वगैरह सारी चीज़ें प्लानिंग से करनी चाहिए। और हमें कस्टम खेलने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट्स हमको अच्छी तरीके से अपने स्क्वाड के साथ बात करनी है। वो बात आप अच्छी तरीके से करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आपकी स्क्वाड जो जितने बंदे हैं, हम सारे बंदे एक्टिव रहेंगे, एक्टिव उनका माइंड रहेगा, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आप हमेशा आप गौर करना, जब आप कभी भी किसी कस्टम से 15 मिनट्स पहले आप अच्छी तरीके से अपनी स्क्वाड से बात करोगे, और आप एक कस्टम ऐसा खेलो जिसमें आप बिना बात करिए कस्टम से डायरेक्ट रूम में जाओ, बैठो, कस्टम खेलो, आपको उस कस्टम से और इस कस्टम से बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने वाला है। ये बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और पॉइंट नंबर सेकंड, आपको क्या करना होता है, आपको जब गेम कस्टम आप खेलने स्टार्ट करते हो, ये क्लासिक नहीं है कि इसमें आप फालतू फालतू बातें कर सकते हो, हंस सकते हो, मजाक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कस्टम में इंटर कर गए, उसमें आज चले गए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेम के बारे में ही अच्छी तरीके से बातें करनी है, अपने टीममेट्स की कॉलिंग वगैरह अच्छी तरीके से सुननी है, अपने आईजीएल की बातें अच्छी तरीके से सुननी है। आपको फालतू कोई भी बातें नहीं करनी। अगर आप फालतू बातें करोगे तो आपका माइंड आपके गेम से कंसंट्रेशन आपका हट जाएगा, और आप जाहिर सी बात है आप अच्छा गेम नहीं खेल पाओगे। नंबर फोर पॉइंट क्या आती है, सिर्फ आप लूट जो करते हो ना, बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने ड्रॉप लोकेशन पे जंप करते हैं, जंप करने के बाद उनका जो सर्कल होता है उनसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, उन पर सर्कल नहीं बनता, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा देर तक लूट करते हैं, और अपने और साथ में साथ वो ज़्यादा व्हीकल भी कैरी नहीं करते। एक आध बंदा गया व्हीकल लेके चला आया तो ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर आपके पास जोन नहीं है तो आपको लाइटली थोड़ा सा कम लूट करना है, लूट कम करना है, आपको व्हीकल जल्दी जल्दी आपको आपको कैरी करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल कैरी करो, एटलीस्ट 3 व्हीकल्स या तो 4 व्हीकल्स आपके पास तो होनी ही होने चाहिए कस्टम रूम्स में, आपको ये होना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हीकल का जो फंडा है। आपको क्या करना है, अगर आपका जोन आपसे दूर है तो आप लाइटली लूट करो, लूट करने के बाद तुरंत ही अपना रोटेशन आप डाल दो। गलती बंदे क्या करते हैं कि वो रोटेशन नहीं डालते, वो आराम से जोन का इंतजार करते हैं, जब वो जोन उनके पास आता है तब वो सोचते हैं हम आराम से जोन एस टू एस खेलेंगे। बहुत लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है खेलने का, लेकिन आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको पहला जोन जो आप शिफ्ट करते हो ना, थोड़ा सा फास्ट किया करो, आप फास्टली किया करो, कम लूटो, जोन के अंदर जाओ, वहाँ लूटो और वहाँ अपना ठाट जमा कर बैठो। आपको नंबर फाइव क्या करना है, आपको फोकस ऑन स्काउटिंग, आपको स्काउटिंग पर बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्क करना है। बंदे गलतियाँ क्या करते हैं कि वो अच्छी तरीके से स्काउट नहीं करते, अगर वो स्काउट करते हैं तो एक ही तरफ स्काउट करते हैं। अब क्या करना है, जैसे प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी है, तो उनको चारों एंगल में आप उनको स्काउटिंग करना होता है, वो अच्छी तरीके से स्काउटिंग करें। अगर वो फाइट भी ले रहे हैं तो चारों प्लेयर स्प्लिट होकर अच्छी तरीके से फाइट लें। अगर वो अच्छी तरीके से स्प्लिट होकर फाइट लेंगे तो उनको अलग अलग एंगल मिलेगा किसी भी स्काउट को मारने का। और उनको अगर जैसे कि प्लेयर ए ने कहीं पर स्पॉट किसी को किया तो वो तुरंत ही कॉल दे प्लेयर बी को कि मैंने यहाँ यहाँ स्पॉट किया, तो प्लेयर बी भी उसके बात को तुरंत ही सुने। ऐसा नहीं है प्लेयर बी कहीं और सप्रेस कर रहा है किसी को तो प्लेयर ए कहीं और सप्रेस कर रहा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, जिस तरीके से आईजीएल बताता है। और यहाँ पर आप एक पॉइंट देने वाली बात यह है कि हर चीज़ डिपेंड आईजीएल के ऊपर ही नहीं करता, खुद के अंदर भी एक अपना एक आईजीएल होता है, खुद के अंदर भी एक अपना एक गेम सेंस होता है, उसको आपको दिखाना है गेम खेलते वक्त। और थोड़ा मोड़ा जो बंदे गलतियाँ क्या करते हैं, वो स्मोक्स प्रॉपरली नहीं उनको करना आता, तो स्मोक्स का प्रॉपरली यूज़ करो। जैसे कि अगर आपके फ्रंट में आप किसी से फाइट ले रहे हो, आपके बैक में भी कोई बंदे आ गए आपको थर्ड पार्टी, तो आप कैसे स्मोक को प्रॉपरली यूज़ करोगे कि अपने बैक में आप 4-5 स्मोक मार दोगे, वॉल बना दोगे, जो आपके थर्ड पार्टी बंदे कर रहे हैं किसी अलग कंपाउंड से आपको मार रहे हैं तो वो आप उनका विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाएगा,
वो आपको नहीं मार पाएंगे। तो आप इजीली अपने फ्रंट वाले जिससे आप फाइट ले पा रहे थे उनसे आप अच्छी तरीके से फाइट ले पाओगे। तो ये पॉइंट्स भी स्मोक करने का अच्छा अच्छा तरीका होता है। लोग बहुत सारे बंदे अच्छे स्मोक करते हैं, बहुत सारे बंदे स्मोक कर रहे हैं उनको नहीं पता, उनका माइंड स्टक रहता है, वो घबराहट में स्मोक नहीं कर पाते, जो कि उनके पास चीज़ें साथ स्मोक वो अपने पास अपने बैग में कैरी कर रहे होते हैं फिर भी वो स्मोक नहीं कर पाते। तो इन पर फोकस करो, स्मोक बहुत ज़रूरी होता है कस्टम्स के अंदर, आपको अच्छी तरीके से इनका यूज़ करना आना चाहिए। आपको फिर अगली पॉइंट जो है को आपको इग्नोर करना कि आपको जो अनवांटेड फाइट्स होती हैं उनको आपको इग्नोर करना है। जैसे कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रोटेशन डाल रहे हो और आपने रास्ते में कहीं देख लिया कहीं यहाँ बंदे फाइट्स कर रहे हैं, कोई टीम्स फाइट्स कर रहे हैं, तो बंदे तुरंत वहीं उतर जाते हैं कार से और उन पर फायर करने लगते हैं, उन पर मारने लगते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि उनको अभी जो रोटेशन करना है वो रोटेशन ही डालें उनको। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास जोन में ज़्यादा वक्त है, तो थोड़ा मोड़ा आप भी फाइट में इंगेज कर सकते हो, उनसे फाइट ले सकते हो। ज़्यादा कोशिश करो कि उनसे आप फाइट ना लो। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको अपने रोटेशन पे जाना है, अपने पॉइंट्स पे जाना है, आप पहले वहाँ पर उन पर ज़्यादा फोकस करो कि अपने पॉइंट्स पर आप जा सको, ना कि वहाँ पर अपने फाइट इंगेज करो। अगर वहाँ फाइट इंगेज करोगे चांस कम है कि आपको थोड़ा मोड़ा आपको वहाँ किल मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ऊपर भी कोई फोर्थ पार्टी कर दे, या हो सकता है वो जो बंदे फाइट कर रहे थे वो अपने उनका फाइट छूट कर वो आप पे ही फायर करने लगे। तो कोशिश करो कि अच्छी तरीके से माहौल को देखते हुए आप थर्ड पार्टी करो, या तो बेटर यही है कि अपना आप जहाँ से रोटेशन डाले हो जहाँ के लिए वहाँ पर आप जाकर अपना बैठ जाओ, जहाँ पे आपको जाना वहाँ चले जाओ। और उसके बाद कस्टम खेलने के लिए ये जो चीज़ें मैं बताया ना, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और ये बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड है। मैं आपको ये नहीं बताना कि कस्टम में आपको खेलना है, अच्छा खेलना है तो ये करो वो करो फलाना डिपकान। कस्टम आप ज़्यादा खेलोगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। आप ज़्यादा खेलोगे, कहना जब कोई चीज़ आप ज़्यादा 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 खेलते हो उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर आप कस्टम एक ही दो खेल रहे हो, वो भी एक दिन दो दिन में तीन दिन में खेल रहे हो, तो आपको आप कस्टम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको एटलीस्ट दिन भर में कम से कम 5 कस्टम्स तो खेलने ही चाहिए अगर आपको पबजी में अच्छा कुछ करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम्स खेलो, आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आएगा, आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आएगा। और हर मैच के बाद आपको लास्ट में 15 मिनट्स लास्ट, अगर आप मैच खेलने से पहले आप बात करो 15 मिनट्स अपने स्क्वाड से, और मैच ख़त्म हो जाए उसके बाद 15 मिनट्स अपने स्क्वाड से बात करो कि हमने क्या क्या गलतियाँ की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि आपको 15 मिनट्स बात करो कि हमने क्या क्या गलतियाँ, क्या हमने जो बात करके पहले जो बात किया था 15 मिनट हम लोगों ने क्या उस पर खरे उतरे कि नहीं उतरे। ये बात करोगे ना तो इससे बहुत ज़्यादा आपका ख़तरनाक कोऑर्डिनेशन बनकर आएगा, आपकी स्ट्रेटजीज इम्प्रूव होंगी और आप बहुत अच्छा कस्टम में कर सकते हो। बहुत बड़ा ये वो नहीं, अगर आप गेम को गेम की तरह से देखोगे तो बहुत ईजी है। अगर इसको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में आप हैवीली क्रिएट करोगे, इस कस्टम को बहुत ज़्यादा हार्ड क्रिएट करोगे, तो ये आपको हार्ड ही लगेगा। तो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेकर चला करो, माइंड में लाइटली लिया करो, पता होना चाहिए कि थोड़ा सा है हार्ड, लेकिन हाँ अपने माइंड को वो दर्शाया ना करा करो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, नहीं अच्छा कर पाएंगे, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मैं डिज़र्व करता हूँ, और लाइक कर देना यार। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय।